हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। google.com खोलना है और यहाँ पे लिखना है Google AdWords $45। तो आप ये सबसे पहली लिंक देख सकते हैं कि ये पहली लिंक आपके पास आ रही है जिसका नाम है ads.google.com official sites। इस पर क्या लिखा है, get your Google ads and credit, sign up and get $45 credits। तो ये क्या कहता है कि साइन अप करें और $45 क्रेडिट करें अपने अकाउंट में। तो मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं स्टेप्स दिखा देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही आप ये फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपने अगर अपनी जीमेल की आईडी लॉगिन की होगी तो वो एग्जिस्टिंग जीमेल की आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, साइन इन, और ये देखें राइट साइड पे आ रहा है साइन इन, ठीक है। और लेफ्ट नीचे पे आके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट एंड गेट $45 इन क्रेडिट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपनी जो योर ईमेल लिखा हुआ है इस वाली जगह पे आके आपने अपनी ईमेल एड्रेस को लिखना है, ठीक है। इस वाली जगह पे आपको अपनी आके ईमेल एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, सपोज मैं अगर कोई ईमेल एड्रेस लिखता हूँ सही है @gmail.com, ठीक है। इस तरह से gmail.com लिखना है और उसके बाद इस पर आपने क्लिक करना आई एम नॉट अ रोबोट। जैसे आप नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है गेट द कूपन। जब आप गेट द कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कूपन कोड मिलेगा इस वाली ईमेल आईडी पे जो यहाँ पे आपने लिखी होगी, ठीक है। जैसे ही आप गेट द कूपन कोड करते हैं तो आपको ये आईडी मिल कूपन मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह से मिलेगा उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल एड्स की तरफ से इस तरह से गूगल एड्स की तरफ से ईमेल आएगी जिसके ऊपर ये लिखा होगा, गूगल एड्स की तरफ से ईमेल आएगी ये लिखा, देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, साइन अप टू गेट अप क्रेडिट कार्ड्स। तो ये जब कूपन आपको रिसीव हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर आके अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। अगर बना हुआ है आपका अकाउंट तो साइन इन कर लेना है। जस्ट जीमेल आईडी जो होती है, मोस्टली हम जैसे यूट्यूबर हैं तो जीमेल की आईडी बनी हुई होती है, जो यूट्यूब की ईमेल आईडी आप उसके साथ भी साइन इन कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग आईडी के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं जीमेल की आईडी मेरी ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं जस्ट साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जब आप साइन इन करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन क्लियर नज़र आ रहे होंगे। आपको साइन इन करने के बाद अभी आप ये डैशबोर्ड पे क्या आ रहा है इसको छोड़ दें, आपने जस्ट साइन इन करना है। सिंपल साइन इन करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर, टूल्स एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग के बाद आपने जाना है ब्लिंक के अंदर और यहाँ पे ये देखें आप ये लिखा हुआ है प्रोमोशंस, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्रोमोशंस, तो इस प्रोमोशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्रोमोशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे आपने ये जो आपको ईमेल के ऊपर कूपन कोड मिला है इस कूपन कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और जस्ट कॉपी करके यहाँ इस जगह पे प्लस का निशान आ रहा है, ये प्लस का निशान आ रहा है, इस प्लस के निशान पे क्लिक करना और यहाँ पे ये कहता है ऐड अ प्रोमोशनल कोड। तो यहाँ पे जस्ट आपने कंट्रोल वी करना है और आपका प्रोमोशन कोड एंटर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कहता है, गेट अप PKR69730 क्रेडिट फॉर व्हाट यू स्पेंड ऑन गूगल एड्स ड्यूरिंग। तो आप मेरा स्टेटस देख सकते हैं कि रिडीम करंटली अर्निंग, तो मैं रिडीम कर चुका हूँ और मैंने रिडीम किया है 5 जून 2021 को, यानी कि मेरे ख्याल से परसों या कल परसों किया है मैंने, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन भी हो गई है 6 जुलाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेंड फ्रॉम परमिशन, यहाँ लिखता है डाटा नॉट येट अवेलेबल। अच्छा, ये जो अभी 66,973 PKR और $45 जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है इसको अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसको मुझे यूज़ करने के लिए पहले अपने जेब से, अपने अकाउंट से गूगल एडवर्ड्स के अंदर पेमेंट डालनी होगी। मेरे अकाउंट में देखें, समरी में दिखाता हूँ आपको, तो मेरे अकाउंट में अभी देखें 3,663 रुपये आ रहे हैं। कल मैंने 4,000 रुपये की इसके अंदर, परसों जब मैंने अकाउंट बनाया था, ये देख सकते हैं यू एडेड PKR 4,000 योर अकाउंट ऑन 4 जून 4 जून को मैंने 4,000 रुपये लगाए थे और उसके बाद मैंने कंपेन बनाया है। कंपेन के अंदर अब उसके अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, मेरी कंपेन चल रही है,
ठीक है, तो 4000 के बाद से अब मेरे पास 3663 रुपये बच गए। ये जो 4000 हैं ये मुझे अभी, ये वो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट एड्स वाले नहीं हैं जो कूपन कोड से मिले हैं, जो वो कूपन कोड से मिले हैं वो मुझे जुलाई के एंड में मिलेंगे। वो भी कब मिलेंगे, जितने अमाउंट का मुझे कूपन मिला है $45 का, उतना ही मैं अगर स्पेंड कर लेता हूँ या उसके बराबर स्पेंड कर लेता हूँ या उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेता हूँ, उसके बाद एक महीने के बाद जाके मुझे वो कूपन कोड की जो अमाउंट है जो यहाँ पे आपको शो हो रही है 6900 समथिंग, वो ये अमाउंट फिर जाके मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। अभी आप यूँ समझ लें कि ये मेरे अकाउंट में आ तो गई है पेमेंट, लेकिन ये फ्रीज है। इस फ्रीज अमाउंट को खोलने का जो तरीका है, जो लॉक है, समझ लें ये लॉक हुई हुई, इस लॉक को खोलने की जो चाबी है वो ये चाबी है कि मैं पहले अपने पर्सनल अकाउंट से ऑनलाइन जो भी अकाउंट है, HBL, UPL, कोई से भी बैंक अकाउंट, पेटीएम के थ्रू अपने इस गूगल एडसवर्ट के अकाउंट के अंदर पैसे लगाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे 4000 लगाए थे। 4000 लगाने के बाद मुझे रिमेनिंग अमाउंट अब मिला, यहाँ 3663 बचा है क्योंकि मैंने कैंपेन ऐड कर लिए। आपने जितनी भी अमाउंट यहाँ पे जब मैक पेमेंट करेंगे, ठीक है, अमाउंट लगाने के लिए क्रेडिट कार्ड करने, क्रेडिट कार्ड ऐड वगैरह करने के बाद, तो आपने मैक पेमेंट के टाइम, उस टाइम 4000 अगर मैंने पेमेंट मैक की, यानी कि मैंने अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से मैंने 4000 अपने गूगल एडवर्ट्स के अकाउंट में मंगवाएं, तो मेरे बैंक अकाउंट में 4000 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 4000 आपके अकाउंट में पड़े बैंक अकाउंट में और आप उसी बैंक अकाउंट से उस पूरे 4000 को यहाँ गूगल एडवर्ट्स में लाना चाह रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर GST कटती है, ठीक है। तो 4000 या 2000 या 1200 कुछ भी, जितनी भी अमाउंट आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, तो उससे कम से कम 200-300 रुपये आपके अकाउंट में एक्सेस होने चाहिए। फॉर सेफ्टी आप 500 रुपये अपने अकाउंट में रखें। अगर आपके अकाउंट में 4500 रुपये बैंक अकाउंट में है, तो आप 4000 की ट्रांजेक्शन एडवर्ट्स के अंदर मंगवाएं। अगर 4000 बैंक अकाउंट के अंदर है, तो आप 3500 की अमाउंट एडवर्ट्स के अंदर मंगवाएं। आई होप आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी।